भाजपा शिक्षक अघाड़ी की ओर से कई बार महाविकास अघाड़ी सरकार को शिक्षकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के बावजूद मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में आज सितंबर को भाजपा शिक्षक अघाड़ी की ओर से आंदोलन किए जाने की जानकारी संयोजिका डॉक्टर कल्पना पांडे ने सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के विरोध में अपनी मांगे पूरी करने के लिए अब हम सड़कों पर उतरेंगे। शिक्षकों को एक और समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस समस्या को नजरअंदाज कर दिया है। इसको लेकर अब भाजपा शिक्षक अघाड़ी की ओर से सड़कों पर उतरकर राज्य भर आंदोलन करने की जानकारी शिक्षक अघाड़ी की प्रदेश संयोजिका कल्पना पांडे ने पत्र परिषद में दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए, वरिष्ठ व चयन श्रेणी प्रशिक्षण की तारीखों का ऐलान भी चल किया जाना चाहिए। आणि असं आहे की दीड वर्षांपासून जी परिस्थिती आहे राज्यभर, देशभर, जगभर, त्या परिस्थितीमुळे ग्राउंडवर उतरून काम करता नाही आलं आम्हाला। जे आहे ते ऑनलाईन म्हणा किंवा अशा पद्धतीने आपण काम केलेलं आहे। आता पहिल्यांदा आपण असं ठरवलेलं आहे, आपण म्हणजे शिक्षक आघाडीने असं ठरवलेलं आहे की रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचं, कारण सरकारला वारंवार आम्ही निवेदनं देत आहोत, सरकारशी बोलतो आहे, पण सरकार काहीही त्याच्यावर कारवाई करत नाही हे लक्षात येत आहे। आणि असं असल्यामुळे आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय आमच्यासमोर पर्याय नाही। आम्ही शिक्षक आघाडी म्हणून जे विषय सरकार ज्या विषयांसाठी आंदोलन करणार, महत्त्वाचं म्हणजे हे जे आंदोलन आहे हे राज्यभर होणार आहे। संपूर्ण राज्यात 8 तारखेला भारतीय जनता पार्टी शिक्षक आघाडी ही रस्त्यावर राहणार। महाराष्ट्राच्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये, एखाद्या जिल्ह्यात 2 ठिकाणी, 4 ठिकाणी, 5 ठिकाणी, जिथे जसं शक्य आहे तसं तशा पद्धतीने आंदोलन होणार आहे। संपूर्ण राज्यभर हे आंदोलन होणार। आणि आंदोलन झाल्यानंतर ह्या ज्या मागण्या आहेत, ह्या शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी, डेप्टी डायरेक्टर, जे जे अधिकारी आहेत शासन दरबारी, त्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत आम्ही शासनापर्यंत ते पोहोचवणार आहोत। आज सितंबर को संविधान चौक पर प्रदर्शन करने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि और कर्मचारियों के बंद हुए पीएफ खाते तुरंत अंशतः अनुदानित स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को शुरू होने चाहिए। 1 तारीख को वेतन देने में विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।